अस्सलामुअलैकुम। हाँ तो गाइस, काफी दिन बाद आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात, और हम आपसे सॉरी करते भैया, आपकी नजरों से उछलते एक दो हमने लाइव किया बट उस तरह आपसे बात नहीं हो पाई और हमारे बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स आए थे हमारे लाइव में। अभी गाइस हमने, जिसके अपने थंबनेल और टाइटल से आप जान चुके होंगे कि नासिर और आरू ने भाई एक बिजनेस स्टार्ट किया, और वो बिजनेस क्या है हम आपको बताते हैं। और अभी हम आए हैं, एक हमें ऑर्डर मिला है एक कुड्डी बनाने का। कुड्डी बोले तो चिड़ियों का, परिंदों का घर वगैरह जो बनाते हैं। अभी हम स्टार्ट करने लगे, हमने कुछ अपने सामान भी हमें लाने हैं बाहर से, और अभी आरुण भी है। हमारा टाइम बहुत लगता है इस काम में, कल भी हमने 3 से 4 घंटे लगाए थे और आज भी ये काम हमारा कंटिन्यू चल रहा है। जो कल 3 से 4 घंटे हमने लगाए थे उसमें हमने बनाया है ये, अभी तक ये फिलहाल बना है, ठीक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखो 3-4 घंटे में हमने जो बनाया है ये अभी तक आपके सामने, ये आप देख रहे हो ना इस तरह, ये इसका सारा शेप, ये अभी तक काम हमारा कंटिन्यू चलने वाला है। हमने सोचा कि भाई अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया इसमें हमें जो पैसे मिल रहे हैं, अरुण तकरीबन कितने पैसे हमें मिल रहे हैं, क्या बात हुई है भाई कस्टमर से, 4,000, 5,000, 10,000, 10,000 रुपये हमें ये भाई ऑर्डर मिला है। अभी हमने ये काम शुरू किया, हम टाइम पास करना था तो हमने सोचा कि यार एक परिंदों के लिए घर ही बनाया जाए, क्योंकि जगह भी सही था, नॉर्मल था। अभी इसका हमने क्या करना है, अभी हमने इसका ये इस तरह करके लगाना है इसको, ठीक है, इसका फर्श बनेगा ऊपर वाले का और नीचे वाले पोर्शन का छत बन जाएगा ये, और डोर के लिए जो सामान वगैरह लोग वगैरह लेने हैं उसके लिए बाद में जाना है। तो गाइस अभी थोड़ा बहुत काम करते हैं, आपको दिखाते भी हैं और अपना अपना थोड़ा थोड़ा काम भी करते जाएंगे। ये हमारा अपना ही दुकान है, मसला नहीं है, असलम भाई कुछ नहीं बोलेंगे। तो हथौड़ा और चीनी तो आ गया, अब क्या चाहिए? कुंडी कुंडी और कड़ी वगैरह, ये वो फिलहाल लॉक सिस्टम। मैं क्या बोलता हूँ इसको करते हैं, फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक ऐसे आप अंगूठा लगाओ ना, जैसे आपको कुंडी बोलते हमारे बोल आपको कुंडी, आपके तोते उलते शोर करना शुरू होंगे। टेक्नोलॉजी आपको पता है, मजीद आगे अगर आप, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप लोगों को भी करवाना है भाई, क्या फीस के सब्सक्राइबर के लिए चलो वही फर्नीचर तोड़ना पड़ेगा, फर्नीचर आप लोगों को तोड़ना पड़ेगा, वही लकड़ी वहाँ से हमें वहीं से मिलेगा, बाकी हम लोग को दे दे 1500 रुपए पर घंटा, पर घंटा महंगे भाई, एक दिन का नहीं समझो, पर घंटा 1500। अभी चलते हैं कुंडी वगैरह लेते हैं, चलो फिर आपको मिलते हैं। बाकी गाइस आप भी सोच रहे होगे यार नासिर आरुण ये भाई क्या क्या करते हैं, कभी प्लम्बर, कभी कारपेंटर, कभी पेंटर, समटाइम्स पता नहीं क्या, कभी क्या, कभी व्लॉगिंग, कभी सिंगिंग, कभी फुटबॉल, कभी क्रिकेट, ऑलराउंडर है भाई, ऑलराउंडर। बाकी अभी हमें यहाँ पे एक गड्ढा करना है ताकि इसकी फिटिंग सही रहे। अभी इसको यहाँ पे देखिए, इसको गड्ढा करके इस पर करना है सीमेंट। सीमेंट लगाने के बाद जैसे ही मजबूत होगा तो इस पर ठोकेंगे कील। हमें एक शक्ल चाहिए था दरवाजे का जो हमें बनाना है, ये जो जाली पड़ी हुई पीछे इसकी मदद से, और इसके बाद हमारे पास जो माशाल्लाह बहुत ही शार्प आ रही है, यकीन जानो जैसे इनका कलर है उसके कलर पे नहीं जाओ, ये इतना खराब नहीं है, ये बेड़ा कर खो चुका इसका, इतना घटिया चीज है कसम से यार, इसने जीना आराम किया। आपको पता है हम लोग लकड़ियाँ किस तरह कट करते हैं, चीनी और हथौड़ी की मदद से सब कुछ ये दोनों कर रहे हैं, ये किसी काम का ही नहीं। आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आपको बताते जाएंगे, फिलहाल अभी मैं यहाँ पे गड्ढा करता हूँ ताकि काम भी जल्दी जल्दी हो सके और असर के टाइम आरुण को विसी जाना होता है जिम। हमारे पास तकरीबन मिला जुला के 2.5 या 3 घंटे, उसमें हमें यह काम आज के दिन ही मुकम्मल करना होगा क्योंकि भाई बहुत टाइम ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले यहाँ की मिट्टियाँ निकाल के इसको देखते हैं उधर जंगल की तरफ, बाकी यहाँ का करना है लेवल, ताकि जब तक ये मिट्टी नहीं निकलेगी ना तब तक हमें हमारा ना दरवाज़ा बनेगा ना इसके बाद हम कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये काम किया, तो गाइस भी मजदूरों ने थोड़ा बहुत काम कर लिया, फर्श वगैरह लगा लिया। अभी बैठे हम चारपाई के ऊपर, खा रहे हैं तुरई रोटी एंड पकोड़ा, आपको मिलते हैं खाने के बाद। Two hours later. अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया, बाकी अभी फिर से बढ़ते अपने काम की तरफ। आप देखते हैं हमारा उलिया वगैरह फुल भाई हमारा खराब हो चुके और छत का हाल भी बेहाल है, अभी बस हमें जाली वगैरह लगाने, फिर देखते हैं अगर जो भी बनेगा एंड में आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट डे, कल टाइम का बहुत ज्यादा शॉर्टेज था, हमने तो अपना काम भी आधा अधूरा भी छोड़ा था, और अभी इंशाल्लाह आज का दिन है, कल के दिन हमने ये पूरा ये बनाया है। देखो मुझे पता है कमेंट में माशाल्लाह से तारीफ ही करोगे। बाकी यार मतलब गाइस यार जो भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है
अब ये लोग सिर्फ हमसे टेढ़ा लग गए, इसको भी थोड़ी बहुत देर बात करते हैं। और बीच में ये जो गैप आ रहा है ना, ये गैप यहाँ से चूजा हमारा टपक ना जाए, खुदकुशी ना कर ले यहाँ से। बाकी ये अभी जो अधूरा हमारा काम पड़ा है उसको निपटाते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा दिखाते भी जाएंगे। और बाकी गाइज ये बताओ जाली वगैरह कैसे हमने फिटिंग कराई, ये चेक करो, खुद सारा काम किया। मानते नहीं हो भाई आपके भाई हम लोग। अरुण क्या अपनी तारीफ में क्या कहना चाहोगे आप? हम लोग ऑलराउंडर है भाई, तो उनको बताए ना। क्या बताऊं यार, चार्जेस बताओ। चार्जेस तो मैंने कली फिर से इनको रिमाइंड करवाओ भाई। तकरीबन एक घंटे का पंद्रह सौ रुपये हम चार्ज करते हैं। और आपका देखो, जैसे कि आपके पास भी अगर इतना जगह होना चाहिए और आपके पास फर्नीचर भी होना चाहिए जिसे हम तोड़ के आपके लिए एक अभी जैसे कि हमारा थोड़ा बहुत काम बाकी है, जैसे कि इसकी कुंडी ठीक करना और बाकी ये गैप खत्म करवाना है जो बीच में गैप निकला हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे एक और दरवाज़ा लगाना है, और भी देखते हैं अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें। वैसे हमारे पास ये बची कुछ ये लकड़ी है, इनमें से हमें एक और फ्रेम बनाना है दरवाजे के लिए। और आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आपको बताते जाएंगे क्या क्या अपडेट है, जो भी होगा आपको सब शेयर करेंगे। देख रहे गाइस, जब आ रही नहीं होता ना तो इस तरह काम चलाना पड़ता है। बाकी यार छत का बेड़ा गर्क कर दिया, फिर सामा भी आएगा। अरुण सही का मैं सुनाएगा, चेक करो। खराब है पूरी लकड़ी भाई, इसको छोड़, इसका कोई जुगाड़ करते हैं। ये सामने वाले में कील सी नहीं लगता ना इस वाले में, वरना बंदा कर ले, इसमें कील से फिट ही नहीं होता। और बाकी गाइस कल जो मिट्टी निकले वो इतना बड़ा ये कोटेरी बन गया है पूरा। अभी इतना भारी उठाने में हम लोगों ने कल ट्राई किया था, लेकिन हमने थोड़ा जब कुछ और सोएब लोग या तगीर लोग कोई आते हैं तो उनके साथ हम लोग साथ में करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजनदार है। बाकी ये भी हमने माशाल्लाह से, ये देखो ये क्या कारनामा किया है, ये कारनामा सिर्फ चेक करो। ये पूरा सेटअप है, अभी बस इसके दरवाजे के लिए करना है, सीमेंट का कुछ काम है। इंशाल्लाह देखते हैं आज के दिन इसको निपटाएं शाम तक इंशाल्लाह। बाकी आपको बताते जाएंगे जब इसको भी, देखते इसका क्या जुगाड़ है, जो होगा हमको शेयर करेंगे। जो मैं फ्रेम बनाना है, फ्रेम के अंदर फिर ये वाला जाली फिट करना है, इस तरह हमने कल किया था इस तरह करके, तो पूरा फ्रेम बना के फिर ये जाली फिट करना है। मजाक के अलावा अगर आप मार्केट से ले जाओ ना, इससे मतलब अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा नॉर्मल लकड़ियों से, और बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा 4x4 वाला बिल्कुल, लेकिन बहुत मतलब महंगे है वो। अगर कोई और मतलब बाहर का कोई आपका कारपेंटर वगैरह आएगा वो बनाएगा, बहुत ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे, लकड़ियों के पैसे, दिहाड़ी मजदूरी सब आपको देना पड़ेगा। तो हम आपके लिए करेंगे, अगर आप हमें अरुण अपने सब्सक्राइबर्स हैं इनसे 1500 रुपये नहीं लेंगे, पूरे काम का लेंगे 1500 रुपये। सही है, पूरा काम हो जाएगा उसके 1500 रुपये, लेकिन एक कुर्बानी आपको ये देनी पड़ेगी। हम लोग फर्नीचर की बात कर रहे हैं, हाँ वो आपको करना पड़ेगा, घर के फर्नीचर तोड़ के हमें देने होंगे। फाइनली हमारा काम हो चुका है मुकम्मल, और अभी टाइम हो रहे 4:30। ये पूरा हमारा बना है इस शक्ल में, देखो यहाँ तक सब सही है। आप राइट की तरफ देखेंगे ना तो यहाँ पे सब सही है। इस तरफ ये चेक करो कुंडी, माशाल्लाह इसको खोले बंद करो कोई मतलब नहीं, ये बंद ही रहता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये चेक करो क्या कारीगरी है, एक कील लगी हुई थी इसी की मदद से हमने इसको लॉक बनाया। देखो ये खोलो, ये देखो ऑटो है, देखो फिंगरप्रिंट वाला है। बाकी बस यही है भाई, जो था यही था, अभी अपने सारा कचरा समेटते हैं। थोड़ा बहुत सफाई हो गया, मोटे मोटे जितने भी कचरे थे वो सब हमने हटा लिए। बाकी आपको मिलते हैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट हो। अगर देखो आपके अगर हाथ पैर चल रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह से, तो यार प्लीज़ एक क्लिक पे शेयर होता है, एक पे लाइक होता है, बहुत ही सिंपल है। लाइक ज़रूर करना ताकि हमारा वीडियो आगे तक एंगेज रहे और हम भी आगे जाके आपके साथ एंगेज रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी, नहीं सॉरी हमारा अगर ये चिड़ियों का घर अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाकी अल्लाह हाफिज़।